नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एमसीजीएम के बारे में। तो एमसीजीएम से जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे आया हुआ है वो करीबन 910 वैकेंसीज है, और वो भी फायरमैन के वैकेंसीज है। और एमसीजीएम क्या है मैं आपको बता दूँ, मुंबई का जो म्यूनसिपैलिटी है वहाँ पे आपको जॉब ऑफर किया जा रहा है। तो मुंबई म्यूनसिपैलिटी में टोटल फायरमैन के लिए पोस्ट है, और वो भी 910 मतलब 910 का टोटल पोस्ट है। तो इस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस जॉब के इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के जॉब के बारे में। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे तो म्यूनसिपल कॉरपोरेट कॉरपोरेशन ऑफ जेनर आप देख सकते हैं ग्रेटर मुंबई, तो इसमें आपको जॉब ऑफर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में आपको जॉब मिलेगा, 910 वैकेंसीज है। तो 910 जो वैकेंसीज है वो टोटली फायरमैन के लिए है। फ्रेशर्स जरूर अप्लाई करिए, एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एज लिमिट बता रहा है, आपको फ्रेशर्स भी अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। तो 20 से 25 साल तक जनरल के लिए, 20 से 28 साल तक ओबीसी के लिए, एससीएसटी के लिए 20 से 30 तक, तो अच्छा खासा यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। सिलेक्शन का जो प्रोसीड्योर है वो इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन हो जाएंगे। सैलरी पैकेज के बारे में बात करूँ तो सैलरी 21,700 से करीबन 70,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगा। एप्लीकेशन के जो चार्जेस हैं आप देख सकते हैं, कुछ अलग अलग कैटेगरीज के चार्जेस दिया गया है। ओपन कैटेगरीज के लिए 944, रिवर्स जो कैटेगरीज है उसके लिए 90 रुपीज़ आपको पे करना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन का जरूरत होगा, देखिए 12th स्टैंडर्ड आपको पास आउट होना है, वो भी आर्ट्स में, साइंस में एंड कॉमर्स में। कोई भी एक स्ट्रीम से आप पास आउट हो चुके हैं तो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इनमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए जिस स्ट्रीम से आप क्वालिफाइड होंगे, और साथ ही साथ आप 10th स्टैंडर्ड और आपको 15 साल की मतलब आर्मी का जो आपका जो काम है, आपने आपने आर्मी ज्वाइन करके काम किया है और 15 साल का आपका आर्मी का जो जॉब था वो खत्म हुआ है, और आपके 10+ आपका सर्टिफिकेट भी है, तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एज ए रिटायर्ड पर्सन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जॉब का पूरा डिटेल्स, तो जल्द से जल्द अप्लाई करिए। अप्लाई करने का प्रोसीड्योर मैं आपको दे चुका हूँ, यहाँ पे एक एड्रेस मैं आपको दिया हूँ, उस एड्रेस में जाकर आपको अप्लाई करना होगा। तो एड्रेस तो आपको मिल गया, फॉर्म कहाँ पे मिलेगा देखिए, नीचे सारे लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, उस लिंक में जाकर इस वेबसाइट ओपन कर लेना, और उस वेबसाइट में यहाँ पे नीचे आने के बाद अप्लाई लिंक में क्लिक करना। तो यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा, इस पेज में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, नीचे थोड़ा सा आएंगे तो आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। चलो मेरे को, हाँ यहाँ पे देखिए फॉर्म भी मिल जाएगा, इस फॉर्म को डाउनलोड करिए और उसके बाद अप्लाई करिए। तो ये था जॉब का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाकर कर लीजिएगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलेगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया एक जॉब लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।